नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजदीप सजवान और आज हम बात करेंगे साउथ के सबसे बड़े सुपरस्टार थाला अजीत कुमार सर की सुपरहिट फिल्म वीरम के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और फिल्म से जुड़े हुए कुछ अनसुने फैक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी सी वीडियो ला सकूँ। दोस्तों, वीरम एक तमिल भाषा में बनी एक एक्शन फिल्म थी जो कि 10 जनवरी 2014 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इस फिल्म में हमें मुख्य भूमिका में नजर आई थी अजीत कुमार, तमन्ना भाटिया, विदारत बाला, संथानम, एम नस्सर, थाम्बी, प्रदीप रावत, रमेश खन्ना, अतुल कुलकर्णी, अमित कुमार और सुमित्रा। इस फिल्म के डायरेक्टर थे शिवा, जो कि वेदालम, विवेगम और विश्वासम जैसी कई बेहतरीन फिल्में बना चुके हैं। वहीं प्रोड्यूसर की बात करें तो इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे बी वेंकट रामा रेड्डी। इस फिल्म की कहानी लिखी थी खुद डायरेक्टर शिवा ने और फिल्म के डायलॉग लिखे थे भारतन ने और फिल्म में म्यूजिक दिया था साउथ के मशहूर म्यूजिक कंपोजर देवीश्री प्रसाद ने। वहीं इस फिल्म के बजट की बात करें तो फिल्म का कुल बजट 45 करोड़ था और उसने बॉक्स ऑफिस पर 83 करोड़ की अच्छी कमाई की थी और ये एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। इसके अलावा ये 2014 की तीसरी सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली तमिल फिल्म थी। पहले नंबर पर रजनीकांत सर की फिल्म लिंगा थी, दूसरे नंबर पर कैथी और तीसरे नंबर पर ये फिल्म थी। वहीं इस फिल्म के गानों की बात करें तो इस फिल्म में टोटल 5 गाने थे और सभी के सभी गाने सुपरहिट साबित हुए थे। इस फिल्म की कहानी की बात करें तो इस फिल्म में अजीत कुमार ने एक विनायगम नाम के व्यक्ति का किरदार निभाया था जो अपने भाइयों के साथ गांव में रहता था, लेकिन वह लड़कियों से नफरत करता था क्योंकि उसका मानना था कि एक लड़की भाइयों के बीच फूट डलवा सकती है, लेकिन उसके चारों भाई चोरी छुपे दूसरी लड़कियों से प्यार करते थे तो अपनी शादी करवाने के लिए वे अपने भाई की पसंद की लड़की ढूंढते हैं और बाद में उन्हें पता चलता है कि उनके भाई बचपन में एक लड़की से प्यार करते थे जिसका नाम कोचपुरम था और फिर उसे ढूंढने का प्लान बनाते हैं और फिर उन्हें तमन्ना भाटिया मिलती है और बाद में अजीत कुमार के भाई उन दोनों को मिलाने की कोशिश करते हैं। शुरू शुरू में वे दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं और बाद में एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। उसके बाद कोचपुरम यानी तमन्ना भाटिया अजीत कुमार को अपने गाँव लेकर जाते है ताकि वहां वह उसके माँ बाप से उसका हाथ मांग ले। तभी विनायगम यानी अजीत कुमार को पता चलता है कि कुछ लोग कोचपुरम के परिवार को मारना चाहते हैं, इसलिए वह उनसे उन्हें बचाता है, लेकिन अजीत कुमार को लड़ते हुए देखकर उसके ससुराल वाले उससे नाराज हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वह उनके परिवार को बचाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस फिल्म की कहानी लिखी गई थी। इसके अलावा एम नस्सर ने इस फिल्म में तमन्ना भाटिया के पिता का किरदार निभाया था और अविनाश ने उनके दुश्मन का। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म से जुड़े हुए कुछ अनसुने फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर एक, दोस्तों डायरेक्टर शिवा की अजीत कुमार के साथ ये पहली फिल्म थी और इस फिल्म के हिट हो जाने के बाद उन्होंने वेदालम और वेगम जैसी सुपरहिट फिल्मों में भी एक साथ काम किया। फैक्ट नंबर दो, दोस्तों इस फिल्म के साथ ही डायरेक्टर शिवा ने तमिल फिल्मों में अपना डेब्यू किया था। इससे पहले वे केवल तेलुगु भाषा में बनी फिल्मों में ही काम करते थे, लेकिन उनके पिता बी एन रेड्डी की डेथ हो जाने के बाद उन्होंने तमिल फिल्मों में भी काम करना शुरू कर दिया। फैक्ट नंबर तीन, दोस्तों पहले इस फिल्म में लीड हीरोइन का किरदार अनुष्का शेट्टी को ऑफर किया गया था और उसके बाद ये रोल तमन्ना भाटिया को दे दिया गया। फैक्ट नंबर चार, दोस्तों तमन्ना भाटिया की अजीत कुमार के साथ ये पहली फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म को करने में उन्हें काफ़ी मुश्किलें आई क्योंकि अजीत कुमार उनसे काफ़ी बड़े हैं और दूसरी बात यह थी कि उन्होंने इस फिल्म में बाल सफ़ेद रखे हुए थे जिस कारण वह थोड़े बूढ़े लग रहे थे। फैक्ट नंबर पाँच, दोस्तों इस फिल्म के हिट हो जाने के बाद पवन कल्याण ने इस फिल्म के रीमेक के राइट्स खरीद लिए थे और तेलुगु भाषा में उन्होंने इसे कट्टाम रायडू नाम से बनाया था। इसके अलावा कन्नड़ में भी इस फिल्म का रीमेक ओडिया नाम से बना था। फैक्ट नंबर छः, दूसरी फिल्म के कई सीन्स पुरानी फिल्म मरातु कलाई आनम और 1995 की फिल्म बासा से इंस्पायर थे। फैक्ट नंबर सात, दूसरी फिल्म को बनने में तकरीबन एक साल का समय लगा था और इस फिल्म का पहला टीजर 7 नवम्बर 2013 को रिलीज किया गया था और फिल्म का पहला ट्रेलर नए साल के मौके पर रिलीज किया गया था।
फैक्ट नंबर 8, दोस्तों इस फिल्म की शूटिंग चेन्नई, हैदराबाद और मुंबई में हुई थी। इसके अलावा क्रिटिक्स द्वारा भी इसे काफी अच्छे रिव्यूज दिए गए थे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मैं आपके लिए और वैसे वीडियो ला सकूँ। धन्यवाद।